यहाँ देखिएगा, आपके पास ये तारा ऐप का ऑप्शन है, एप्लीकेशन है। इस तारा ऐप पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपने अगर तारा ऐप पर लॉगिन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली तारा ऐप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्राई है, ट्राई आउट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास अभी स्टूडेंट लिस्ट नहीं है, तो मेरे पास अभी क्लास टीचर्स आईडी 0 और यहाँ पे स्टार सिलेक्ट का बटन है। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा रिकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक बच्चे के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ है क्लासेस, स्टोरीज, टेस्ट और सर्च। तो एक एक करके मैं आपको बताने चाहता हूँ कि जैसे ही ओपन होगा तो पहले आपको क्या करना है, रिकॉर्ड हिंदी के लिए क्लिक करना है। जैसे आप रिकॉर्ड क्लिक करोगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टार्ट। जब तक इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ए टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों को हम क्या कर सकते हैं कि एक बार इसे पढ़ ले। सूरज का रुमाल, आप बच्चे को बता सकते हो कि एक बार इसे पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, टेस्ट है तो उन्हें डर के मारे वह गलती कर बैठते हैं, अच्छे बच्चे भी। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार बच्चे से पढ़वा लेना है। एक मिनट या दो मिनट का समय लगेगा। जैसे आपको लगता है यस बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसको आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, सूरज का रुमाल, फिर स्टॉप पर क्लिक करना है, फिर यहाँ आएगा ऑप्शन नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड एक पैरा आएगा। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक किया, पैरा आया, फिर से आपको स्टार्ट पर क्लिक नहीं करना है, बच्चे से पढ़वा लेना है। एक बार अगर बच्चा अच्छे से पढ़ ले फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है, उसे कहना है अभी आप पढ़ो। एक बार सूरज को जुकाम हो गया, हुआ यूँ कि एक दिन बारिश हो रही थी और सूरज बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल पड़ा। तो इस तरह से ये प्यारा पूरा यहाँ पे आपको मिनट चल रहा है, आपको याद होगा 15 मिनट्स। ये मिनट ख़त्म होने से पहले भी आप स्टॉप कर सकते हैं, अगर बच्चे ने यहाँ तक पढ़ लिया है, पूरा प्यारा पढ़ लिया तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो नेक्स्ट प्यारा आएगा। जैसे नेक्स्ट प्यारा आएगा फिर से इसे क्लिक करना है। आप स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बच्चे से पढ़वाना है। अब पढ़ाने के लिए जैसे बच्चे ने पढ़ लिया अच्छे से तो यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, स्टार्ट उसे बोलिए पढ़ने के लिए, वह स्टार्ट करेगा। वह तो आगे ही आगे झरनों और पहाड़ियों पर से उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार करता चला गया। इस तरह से फिर से यहाँ पे आपको मिनट दिखाई देंगे। ये एक मिनट ख़त्म होने से पहले भी बच्चा पढ़ सकता है या एक मिनट तक उसे पढ़ना है, जितने लाइंस जितने वाक्य वह पढ़ सकता है। उसके बाद अगर उसका पढ़ना हो गया तो यहाँ पे स्टॉप का बटन है। अब जैसे स्टॉप का बटन है आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ देखिए, एक है सबमिट और एक है यहाँ देखिएगा डिलीट। सबमिट के साइड में डिलीट का ऑप्शन है। सबमिट के साइड में डिलीट का ऑप्शन है यहाँ। तो इस डिलीट के ऑप्शन से आप इसे डिलीट कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। जैसे सबमिट करूँगा यहाँ पे आ जाएगा कि यूर रिकॉर्डिंग कंप्लीटेड, सबमिटेड मतलब अपलोड नहीं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आप यहाँ आप इस लिसन रिकॉर्डिंग को क्लिक करके बच्चे ने अच्छे से पढ़ा या नहीं ये आप सुन सकते हैं। तो इसे आप देखिएगा, सुनिएगा, पर क्लिक करना है, सूरज का रुमाल, फिर स्टॉप। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो प्यारा था वो भी आप सुन सकते हैं। जुकाम हो गया, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला प्यारा भी आप अच्छे से थर्ड वाला प्यारा सुन सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में ये जो आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसे आप बाहर नहीं जाएंगे, इसे आप ऐप में ही रहेंगे। लेकिन अब आपको क्या है, आपके पास रिकॉर्डिंग व्यू स्टोरी है, व्यू हिस्ट्री है, ये देखिए व्यू हिस्ट्री। आप इसमें क्या करना है, आपको टेस्ट पर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, टेस्ट। जैसे आप टेस्ट पर क्लिक करेंगे या स्टोरी पर क्लिक करते हैं, टेस्ट की जगह तो भी चलेगा, स्टोरी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास
ये सारी स्टोरीज है, इसे आप बच्चों से पढ़वा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए क्या है, टेस्ट अपलोड करना ज़रूरी है जो अब तक हमने पढ़ा। तो आप क्या करेंगे, इस टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने बच्चों ने पढ़ा है उन सब की रिकॉर्डिंग यहाँ है। आप इन्हें एक साथ अपलोड, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं ये अपलोड टेस्ट अटेम्प्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो नहीं आ पाई है, इसलिए ये अपलोड नहीं हो पाएगा। ये टीचर्स का है, क्लास टीचर और क्लास